इस कावेरी वीडियो एल्बम को लॉन्च करने के लिए, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं रेहा खान जी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस खुशी के मौके पर। एल्बम मैंने अभी देखा है, बहुत ही खूबसूरत एल्बम बनाया है, और सनम जौहर ने उसमें मेन लीड की हुई है, बहुत अच्छे डांसर हैं, इज ए वेरी गुड डांसर, बहुत अच्छे स्टेप्स किए उन्होंने, और लोकेशन बहुत अच्छी ढूंढी आपने रेहा जी, और ऐसा लगा दो मिनट के लिए कि मैं फॉरेन की लोकेशन पे घूम रहा हूँ, और बहुत बढ़िया इसका डायरेक्शन दिया है हमारे गुरु शर्मा जी ने, और बहुत बढ़िया आपने इसको एग्जीक्यूट किया, बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया है, और इसको इसकी प्रेजेंटेशन है आर सीरीज के द्वारा, जो कि एक नई कंपनी है, और मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, इसी तरह करती रहेगी, और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त मैं यहाँ इस मंच पर बैठा हूँ जहाँ कावेरी का वीडियो एल्बम रिलीज किया जा रहा है, और इसके काम करने वाले सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और खासतौर से रेहा खान बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आपको बधाई इस खूबसूरत वीडियो एल्बम बनाने, बहुत बहुत हंड्रेड में से हंड्रेड ब्यूटिफुल एल्बम, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल एल्बम बना है क्योंकि मेरे लिए तो मतलब एक्ट भी करना है, प्रोड्यूस भी करना है, और काफी सब कुछ करना था, तो कंपनी को भी लॉन्च करना था, तो काफी बड़ी जिम्मेदारी थी, तो आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया हो और आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैंने एक फिल्म बनाई थी और मुझे मालूम है कि प्रोड्यूसर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे हर दिन ऐसे ट्रीट करना पड़ता है जैसे रोज बारात आई हुई है, और रोज बारात को ट्रीट करना है, इतना बड़ा यूनिट होता है और सबको देखना पड़ता है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, छोटे से छोटे बड़े से बड़े आप बिल्कुल इवेंट में तीन बार सोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी कंपनी लॉन्च हुई है और मैं चाहती हूँ कि कंपनी इतनी आगे बढ़े, जैसे कि आज 50,000 लोग 100 लोग काम कर रहे हैं मेरी कंपनी में, मैं चाहती हूँ लाखों लोग काम करेंगे, और अभी तो इन्होंने वीडियो एल्बम बनाया है, इसके बाद ये बहुत बड़ी फीचर फिल्म भी बनाने वेब सीरीज भी बनने वाली है हमारी आर सीरीज से, तो बस वेट एंड वॉच, बहुत सारा मसाला आने वाला है, बहुत सारे हीरो आने वाले, हीरोइन आने वाली, और हमारे दिन सर आने वाले हैं, मसाला तो तुम खुद ही हो। थैंक यू सो मच। As an actor, I would like to say that I was very lucky that I was a part of this song. इस वीडियो के साथ I got a chance to meet everybody, और बहुत ही जिन जिन तक मेहनत लगी इसमें, all of them are just sweethearts, and I think I feel lucky. So I just hope ये वीडियो और ये गाना बहुत हिट हो जाए, और it should probably reach like 500 million. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. हमने एक दिन रिहर्स किया और एक दिन शूट किया, और एक दिन में आई थिंक बहुत 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 कुछ जान गए एक दूसरे के बारे में, और कहीं ना कहीं जहाँ पर इनको तकलीफ हुई मैंने इनको हेल्प किया, जहाँ पे मुझे तकलीफ हुई उन्होंने हेल्प किया, सो आई थिंक या फाउंड अ फैमिली। सबसे बड़ी जैसे कि गुरु शर्मा जी ने बता ही दिया था कितनी दिक्कत आई थी उस ट्रेन के ऊपर, मुझे सनम ने जो मतलब संभाला है, हैट्स ऑफ हिम सीरियसली, तो मेरी चॉइस बहुत अच्छी थी, मैंने काफी डांसरों को देखा, काफी हीरो को चूज किया इससे पहले सनम से पहले, बट सनम की आके ना पता नहीं मैंने इसकी आंखों में देखा, इसकी पिक्चर में मैंने बोला ये लड़का सही है गाने के लिए, इसकी आंखें देखी मैंने खाली फोटो में, कुछ नहीं देखी, तो बच्चे इसकी मुस्कान और इसकी आंखें अच्छी है लड़की की, और ये परफेक्ट चॉइस है कावेरी के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना? मैंने काफ़ी वीडियोस किए हैं इसके पहले, मिक्का जी हो गया, हनीका, शिवानी का, बट ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, उन सब वो भी प्यारे हैं, बट ये क्यों, आई टेल यू, आई हैड अ चांस कि मुझे एक डांस का वीडियो करने मिले, एंड मुझे साउथ की फिल्मों के जो गाने हैं उनके डांस है, आई रियली लाइक दैट,
हमारा टास्क एक था कि ऐसा डांसर किसको लाए जो पंजाबी गाने पे साउथ के स्टाइल का डांस सिग्नेचर वैसा करे। हम लोग ने बहुत जद्दोजहद की, बट बोलते ना ऊपर वाला मेहरबान। तब सनम का हम लोग को रेफरेंस मिला, हमने इसके वीडियोज देखे एंड बैंग द चॉइस वाज इट। सनम ने आके गाने में जो जान डाली है, यस रिया इज द मसाला, बट जो ऊपर नमक डालना था तड़का वो सनम के परफॉर्मेंस। फिर अरुण जो हमारे कोरियोग्राफर है, ब्रिलियंट, आ गया द मैन इज हियर फाइनली हियर, सॉरी अरुण एंड हिज टीम, ब्रिलियंट वर्क, और ही मैनेजमेंट टीम, पारस स्टाइलिंग कॉस्ट्यूम रोशी और डीओपी अजय, मतलब सबने इतना मेहनत किया। और मैंने जैसे कहा कि हादसे होते होते रहे, खून बहा, पसीना बहा और टेम्पर भी बहुत चढ़ा, लोगों का टेम्पर, हमारे कोरियोग्राफर का टेम्पर बहुत चढ़ा, बट एट द एंड बोलते ना अंत भला तो सब भला। द वीडियो हैज कम आउट वेरी ब्यूटीफुल। जोरावर का गाना अनएक्सपेक्टेड था, उसको देख के कोई बोलेगा नहीं ऐसा गा सकता है वो, बट नहीं, जोक्स अपार्ट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट सिंगर एंड होपफुली उसके साथ आगे काम करने मिले। सो ये टीम तब भगवान करे कि लंबा चले एंड वी कीप सम सीरियस एंस। ये है हमारे कोरियोग्राफर जी, फर्स्ट टाइम मैंने रिया के साथ काम किया, मुझे अमेजिंग, मतलब इतना अच्छा फील लगा, मतलब रिहर्सल से लेके शूट तक, शी वाज सो काम, बहुत सारी चीजें, मतलब एक दिन में शूट कर रहा था पर टास्क था लेकिन कर लिया। और गुरु सर का विजन, जो इनका विजन था, वो विजन को लेके मैंने कोरियोग्राफी की है एंड आई फील ब्लेस्ड बिकॉज सनम वॉज देयर, बिकॉज आई नो हिम एंड रिया वॉज देयर। आई रियली अप्रिशिएट दैट what they have put in this and I hope this video goes far 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 and millions views and I hope everything will go good and we do lots of work ahead. Yes, definitely. Yes, are you ghost काम करने तुम्हारे साथ में? Yes, बहुत अच्छा लगा काम and thank you so much guys, you, आप लोग यहाँ पर आए जो गाने को इतना प्रमोट करोगे, प्लीज सब्सक्राइब करना इनका चैनल, जो न्यू चैनल है, फर्स्ट वीडियो है, प्लीज सब्सक्राइब करना, आर सीरीज, एवरीवन आर सीरीज, हमारी सीरीज, मतलब प्लीज एज अ सिंगर मैं यही कहना चाहूंगा, मैं नहीं पा रहा हूँ कि ये गाना मैंने बनाया या मेरी टीम ने बनाया या म्यूजिक डायरेक्टर ने, ऐसा लग रहा है हम सब ने मिलके ये गाना बनाया, क्योंकि जो रिजल्ट आया, जो वीडियो का रिजल्ट गुरु भाई ने हमें दिया है, अरुण भाई ने हमें दिया, जो सामने निकल के एडिटिंग पे निकल के आई है, वो चीज के कारण ही सारी दुनिया को ये गाना पसंद आया। सना भाई ने बहुत अच्छा काम किया, रिया जी ने बहुत, मैं तो उनको कह रहा था, मैंने पहली बार, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था इन्हें तो गाना या कुछ करते हुए, बट इन्होंने जो एक्ट किया है सीरियसली बहुत अच्छा काम है। और तबीयत खराब थी तभी, इनकी तबीयत भी बहुत खराब थी, और शूट के टाइम पे मैडम का भी पारा ऐसा ठा करके गया था ऊपर, बहुत चिल्लम चिल्ली झगड़ा, लेकिन ऑल ओवर सबकी मेहनत लग रही थी, दिमाग एनर्जी सबकी लग रही थी, टाइम जा रहा था, टाइम जा रहा था, तो इसीलिए सोच रहे थे जल्दी जल्दी में हो जाए, कहीं लाइट में चली जाए, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अरुण भाई ने और गुरु भाई ने बहुत अच्छा निभाया, सबने मिलकर बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। इस गाने का नाम है कावेरी, और मुझे लगता है कि अभी गाना इतना ज्यादा हिट होने वाला है कि रिया को कावेरी के नाम से ना लोग जाने लग जाए, जैसे एक टाइम में कटरीना को शीला के नाम से जाने लग गए थे। सो द हुक स्टेप्स आर सो गुड, सो 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 गुड, और मैं कम से कम 10 रील्स तो बनाने वाला हूँ उस पे, बैक टू बैक, कोई थोड़ी सी रोमांटिक होगी, थोड़ी सी डांसिंग वाली होगी, बट यस मसाला पक्का होगा, जैसे कि आपकी म्यूजिक वीडियो में। एंड आपका जॉब तो सर माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आतिश शान भाई ने ये पूछा कि कोरियोग्राफर कौन है, यस एग्जैक्टली, बिकॉज द हुक मूव इज सो गुड, मुझे आपने बताया था, मुझे 1 2 3 4 सो गुड, और थैंक यू सॉन्ग, फैबुलस, थैंक यू भाई।